खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। राजधानी दिल्ली के खाटू श्याम स्टेडियम में सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फोर्थ नेशनल सिख गेम्स का आयोजन किया, जिसमें लगभग 25 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भगत हॉस्पिटल के MD डॉक्टर CM भगत को गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। डॉक्टर CM भगत ने तमाम विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। हरिनगर के खाटू श्याम स्टेडियम में सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज कर रही है और ये गेम है बूडो काइडो, और यहाँ डॉक्टर CM भगत पहुँचे हैं जो विजेता खिलाड़ी हैं, उनको मेडल्स के साथ से सम्मानित किया है सर ने। सर, क्या कहना चाहेंगे, हमारे देश के खिलाड़ियों को आपने आज सम्मानित किया है, कैसा एक्सपीरियंस है और कैसे इनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे फ्यूचर के लिए? देखिए, मार्शल आर्ट्स जो है इनका एक रोल है हमेशा से हमारे देश की सभ्यता में, और जो वॉरियर कौम है, अब वॉरियर कौम्स में आप जानते हो कि पंजाब है, राजस्थान है, वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ये वॉरियर कॉम्स हैं, और इनको इसी तरह गोरखा हो गए और नेपलीज हो गए और ये उत्तराखंड से लोग हो गए, दे आर वॉरियर पीपल। इनको इन गेम्स में ही मज़ा आता है और इसमें डिफेंस भी आता है, अटैक भी आता है, रिफ्लेक्सेस भी शार्प होते हैं, तो ये चीज़ें हमारे बच्चों को सीखा। हाँ, इनको यहाँ पर स्कोरिंग सिस्टम दे दिया गया है। स्कोरिंग से ये होता है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है कि आज ये जीता, कल दूसरा जीतेगा, तीसरा जीतेगा, तो इस तरह है। अब इन्होंने एक गेम तो ये ली बूडो काइडो, जो एक अलग गेम है, टाइकेंडो का ही एक डिफरेंट वर्शन है। एक लाठी स्पोर्ट्स हुआ था कल, महाराष्ट्र की गेम है लाठी स्पोर्ट्स, वो देखेंगे आप लाठी स्पोर्ट्स, ये महाराष्ट्र की गेम है, इसका प्रोग्राम कल हो गया। और एक ये गटका करके जो गेम हो रही है, यहाँ पर 21 स्टेट्स के लोग आए हुए हैं, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 21 स्टेट्स के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें मैंने देखा मणिपुर के बच्चे भी आए हुए हैं, पंजाब से भी है, तो 21 स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टाइम ये इनसे बात की तो ये बता रहे हैं कि 28 स्टेट्स होंगे। तो इस तरह हमें अपने कंट्री की मार्शल गेम्स को प्रमोट कर रहा है, और कुछ जो कौम ऐसी हैं जो एक्टिव स्पोर्ट्स में नहीं रहती, उनको भी लाना है इसमें। तो ये सिख गेम्स फेडरेशन जो है एक बहुत अच्छा काम किया है, और मैं तो इनसे पूरा सहयोग करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे अपने साथ रखें ताकि मैं इसका आनंद ले सकूं। इट्स रियली एंजॉयबल, बहुत अच्छा लग रहा है। बता दें, इस टूर्नामेंट का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। देश भर के सैकड़ों खिलाड़ी हर साल नेशनल सिख गेम्स का हिस्सा बनते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, अगर स्पोर्ट्स के साथ फिट होंगे तो नेचुरल पढ़ाई में भी फिट होंगे। तो हमारी यह है कि हम बच्चों को एक प्लेटफार्म दे, प्लेटफार्म से उनको प्रमोट करके उनको हाई लेवल पे, ऊंचे लेवल पे उसको बच्चों को पहुंचाने में हम अपनी जितनी कोशिश कर सकते हम करेंगे। हमारी ये सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया है, और हम ये 2018 से गेम्स वगैरह दिल्ली में करवा रहे हैं। हमारे पिछले अपने गेम्स भी बाहर के आते, ईरान के, इराक, नेपाल बाहर से आए थे, और इस बार भी जो टीमें आई हैं वो सारे हिंदुस्तान से आई हैं। अभी जो गेम्स वगैरह ये चल रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ भी है, MP भी है, आंध्रा भी है, और अपना चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, ये सब स्टेटों से हमारे बच्चे आए हैं। फिर ज़्यादा प्रमोट हम ये मार्शल आर्ट की गेमों पर कर रहे हैं, और कल से आज तक हमारी ये मार्शल आर्ट की गेमें चल रही हैं, उसमें फिलहाल गतके के अपना प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें सभी स्टेटों के बच्चे आए हैं, और कोई 1200 बच्चा गतके गतके में हमारी एंट्री आई है। सर, हमारा मेन मकसद है कि बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर आए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी उम्र का हो, उसको स्पोर्ट्स के अंदर आएगा तो हेल्दी भी ठीक रहेगी, उसकी पढ़ाई में भी ठीक रहेगा, फिट रहेगा पूरा बच्चा। और हम कोशिश करते हैं कि हर स्टेट से बच्चा आए, हर एज का बच्चा आता है हमारे पास स्टेट के, मतलब कि किसी भी कॉम्पिटिशन में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। ये हर गेम का अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे अभी गतके का चल रहा है, इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज आते हैं। कई एज कैटेगरी होती हैं, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, ऐसे भी आपने देखा बुद्धो काइडो की प्राइज सेरेमनी हुई थी, इसके अंदर भी एज कैटेगरी होती है, इसके अंदर थोड़े सीनियर प्लेयर आ जाते हैं। जो अभी हमने बुद्धो काइडो कराया, सीनियर प्लेयर का कराया, अंडर 14, अंडर 18, फिर ऐसे अंडर 20, मुलंटी 25 तक के बच्चे हमारे पास बुद्धो काइडो में आए हैं। एकम वीर सिंह, क्या कहना चाहेंगे, आज मेडल के साथ आपको सम्मानित किया गया है, ये इंटरेस्ट क्यों आया गेम में और कितना एंजॉय करते हैं? एंजॉय तो बहुत करते हैं, मैं यही कुछ लगभग
आठ दस साल से ज़्यादा ही हो गया मेरे को खेलते हुए। मैं 5-6 बारी नेशनल खेला हूँ, 3 बारी मैं लंदन इंटरनेशनल खेल आया, 3 कंट्रीज में मैंने पहले भी पार्टिसिपेट किया है, आगे अभी और देखते हैं आगे क्या और क्या करना है आगे? बस गेम को आगे लेके जाना है, देख इंटरनेशनल ऐसे ही खेलते रहेंगे, इंडिया के लिए ट्रॉफी लेकर आएंगे। इंडिया के लिए ट्रॉफी? हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी गेम के साथ, गेम के लिए ध्यान रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे को कुछ नहीं है, खेलकर सब ठीक हो जाएगा। सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इस सालाना टूर्नामेंट में न सिर्फ सिख समुदाय के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि हर धर्म के लोग मैदान में अपना जलवा दिखाते हैं।